मृत्यु की मौत या मौत की मृत्यु, आप कुछ भी कह लें, लेकिन आज हम प्रभु के वचनों से इस बात को देखने वाले हैं कि क्या सचमुच में मृत्यु की मौत हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे संसार में अब्बजों और खरबों रुपये खर्च किए जाते हैं और उसकी वजह हर एक व्यक्ति को मृत्यु से बचना है। आज कई सारे विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, जो सारे संसार में बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और उनका मकसद यही है किस तरह से मनुष्य को मृत्यु से बचाया जा सके। लेकिन इन दिनों के दौरान 2000 सालों के पहले प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ किया कि उन्होंने मौत को मार दिया, मृत्यु की मौत हो गई। और क्योंकि इस हकीकत के बारे में संसार के लोगों को पता नहीं, और इसलिए आज भी वे किस तरह से मृत्यु से बचा जा सके उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। सदियों पहले अय्यूब नामक एक व्यक्ति ने पूछा, और हम वहां से पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 14 पद। अय्यूब नामक एक व्यक्ति सदियों पहले इस प्रश्न को पूछता है मृत्यु के संबंधित। और आज मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मृत्यु की मौत हुई है, लेकिन इस बात को यदि आप नहीं समझते तो आपके जीवन में मृत्यु का डर हमेशा के लिए बना रहेगा। मृत्यु आपको डराती रहेगी, लेकिन सदियों पहले पूछे गए इस प्रश्नों का उत्तर हम देखना चाहते हैं प्रभु के वचनों से, और हम जानना चाहते हैं किस तरह से मृत्यु की मौत हुई है। और यदि आज आपको आपके जीवन से उस मृत्यु का नामो निशान मिटाना हो, उस मृत्यु से आपको आजाद होना हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उस बात को हम सीखने वाले हैं। सब बोलो आमीन मेरे प्रियो। और इसलिए जब आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को जानने वाले हो, अपने कान को खुले रखें, अपने हृदय को खुले रखें, अपने जीवन को खुले रखें इस वचन को सुनने के लिए। क्योंकि सदियों पहले जब ये इंसान उसके जीवन के बहुत ही भयानक परिस्थिति से होकर वो गुजरता है, तब वो प्रश्न पूछता है और वो कहता है अय्यूब उसका 14 अध्याय और 14 पद। यदि मनुष्य मर जाए, उसका प्रश्न ये था कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा, तो क्या वो फिर से जीवित हो सकता है, तो क्या वो फिर से जीवित हो सकता है। आज कई सारे लोगों को ये प्रश्न है, और संसार के काफी लोग जब इस प्रश्न को पूछा जाए बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत ही कह देंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि एक मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो सके। एक ही रास्ता है उसके लिए, मृत्यु की यदि मृत्यु हो जाए, मृत्यु की यदि मौत हो जाए तो यह संभव है। सब बोलो आमीन। और यह काम तो हो चुका है, यह काम तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर उस बात को कर दिखाया है। लेकिन क्योंकि लोग नहीं जानते, वो सोचते हैं कि मृत्यु के सामने किसी की नहीं चलती। अय्यूब भी इस प्रश्न को पूछता है कि यदि कोई इंसान मर जाए तो क्या वो जिंदा हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको प्रभु के वचनों से बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बात को समझाना चाहता हूं, और आप अपने हृदय में उस बात को लिख ले, उसके आपके हृदय में उन अक्षरों को इस तरह से अंकित करें कि कोई उसे मिटा ना सके।
हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और दसवां पद, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1:10, दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसका दस पद। सुनो, यहां पर उस मर्म को घोषित किया गया है जहां पर हमें पता चलता है कि मृत्यु की ताकत खत्म हो गई है, मृत्यु का सामर्थ्य खत्म हो गया है, उसका अर्थ मृत्यु की मौत हो चुकी है। सब बोलो आमीन। पढ़ेंगे हम, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा। जब पौलुस तिमोथियुस को पत्र लिखता है तो वो उसे हकीकत बताता है, वो उसे सत्य बताता है और वो कहता है कि हमारे उद्धारक प्रभु यीशु के प्रकट होने से। फिर से हम इस पद को पढ़ेंगे, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा कुछ होता है। और यहां पे लिखा है कि मसीह यीशु के प्रकट होने से, क्योंकि वो एक बार प्रकट हो चुका, एक बात हो चुकी है और वो क्या है, एक घटना हो चुकी है और वो क्या है, मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। सब बोलो आमीन। यहां पर लिखा है कि वो बात को प्रकाशित कर दी गई है, इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, उसे जाहिर कर दिया गया है, उसे घोषित कर दिया गया है। और यहां पर लिखा है कि मसीह यीशु के प्रकट होने से उस बात को प्रकाशित कर दी गई है। कौन सी बात? जिसने मृत्यु का नाश किया। सब बोलो आमीन। मृत्यु की क्या हो गई? यीशु ने पहली बार प्रकट होकर मृत्यु का नाश कर दिया। सब बोलो आमीन। क्या तालियां नहीं बजाओगे? यीशु ने प्रकट होकर मृत्यु का नाश कर दिया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा, जो भी मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं। और यहां पर लिखा है बहुत स्पष्ट रीति से कि मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा इस बात को प्रकाशित की गई है, मृत्यु का नाश कर दिया गया है। और फिर क्या लिखा है आगे? और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जीवन और अमरता को क्या किया गया है? उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया गया है। आज आप इस पद को आपके बाइबल में लाइन कर रहे हैं और आज से ये विश्वास करें कि मृत्यु मुझे नहीं छू सकती, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस बात को प्रसिद्ध कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है, क्योंकि मैंने उस सुसमाचार पर विश्वास किया है, क्योंकि सुसमाचार के विश्वास के द्वारा मुझे जीवन और अमरत्व प्राप्त होता है। सब बोलो आमीन। मेरे प्रियो, हमने सिर्फ एक पद को पढ़ा है और हमने यहां पर पा लिया कि मृत्यु का नाश कर दिया गया है। इसीलिए रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है कि जो विश्वासी है, धर्मी जो है, वो विश्वास से जिएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि विश्वास से जिएगा और वो मर जाएगा। वहां पे लिखा है वो विश्वास से क्या करेगा? जिएगा। Righteous will live by faith. ये नई उत्पत्ति का नियम है। प्रभु यीशु में जो है वो नई उत्पत्ति है। We are new creation, new creature in Christ Jesus. सब बोलो आमीन। और हम आज प्रभु के उन वचनों को देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, किस तरह से मानव जाति के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर उन्होंने उस क्रूस पर दे दिया, जब उसे उन्होंने
जब उन्हें कब्र में रखा गया, जब तीसरा दिन हुआ, उसकी सुबह हुई, कुछ लोग देख रहे थे कि यीशु की जो कब्र है वो खाली है, मृत्यु उसे रोक नहीं सकी और वो जिंदा हो गया। सब बोलो आमीन। और इसलिए आज इस पद पर यदि आप विश्वास करते हो, दूसरा तीमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसका दसवां पद, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने मृत्यु का क्या कर दिया, नाश किया, नाश कर दिया, और फिर और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। सब बोलो आमीन। और वो सुसमाचार के वारिस है हम पढ़ेंगे पहला थसलोनिकी उसका चौथा अध्याय और तेरवा पद। पहला थसलोनिकी उसका चौथा अध्याय और उसका तेरवा पद। हे भाइयों, तुम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। क्या लिखा है यहाँ पर? जो सोते हैं ऐसा लिखा है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद भी जिनकी मृत्यु हुई उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि वो मरे नहीं, वो सिर्फ सो रहे हैं और वो सिर्फ अलार्म बजने का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? वो अलार्म बजने का। कौन सा अलार्म? तुरी फूकी जाएगी। क्या फूकी जाएगी? तुरी ही। और जो सोए हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदा है उनके शरीरों को बदला जाएगा। इसका अर्थ जो इस समय इस संसार में जो लोग जिंदा है और यदि वे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और यदि तुरही फूक दी गई तो वो मृत्यु को नहीं देखेंगे लेकिन उनके शरीर बदल जाएंगे, महिमा के शरीर बनेंगे और आसमान में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यानी कि बाइबल बहुत ही स्पष्ट है, जो लोग मसीह यीशु में हैं वो मरते नहीं हैं। सब बोलो आमीन। क्यों? क्योंकि मृत्यु की मृत्यु हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यीशु ने पहली बार प्रकट होकर मृत्यु का नाश कर दिया है। जिस तरह से रेगिस्तान में उस झंडे के ऊपर पीतल के सर्प को लटकाया गया और जिन लोगों को सांप ने डसा था उन्होंने जब उसकी तरफ दृष्टि की तो वो जिंदा रह गए, उसी तरह से आज यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु के और देखता है, क्योंकि यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, तो वो अमर हो जाता है। सब बोलो आमीन। वो जिंदा रहता है, उसके लिए मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं। सब बोलो आमीन। पहला क्रंथी उसका 15 अध्याय 55 और 56 पद, 55-56 पढ़े यहां पर। हे मृत्यु, देखा किसके साथ बात हो रही है यहां पर? मृत्यु के साथ। हे मृत्यु, फिर तेरी जय कहां रही? तेरा विजय कहां गया? तेरी जय कहां गई? है मृत्यु, तेरा जय कहां पर है? फिर क्या लिखा है आगे? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? देखा हम यहां पर देखते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहां, तेरी विजय कहां? और फिर क्या लिखा है 55 में आगे? मृत्यु का डंक पाप है। देखा मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। यदि आप एक भी पाप ना करो फिर भी आपको वारिस में आपके माता पिता से और आदम और हवा से आपको क्या मिलता है? पाप मिलता है, पाप का डंक मिलता है, उसका श्राप और उसका नतीजा यानी कि मौत, मृत्यु आपको मिलती है। और इसलिए यहां पर हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से समझाया है कि पाप का जो, फिर से पढ़िए, वो मृत्यु का डंक, जो मृत्यु का डंक है वो क्या है? पाप है। और फिर क्या लिखा है आगे? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। सब बोलो आमीन। जो हमें प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु के ऊपर क्या देता है? विजय देता है। गलाती उसका तीसरा अध्याय 13-14 पद आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से इजरायली लोगों के शरीरों में जिनको सर्प ने डसा था उनके शरीरों में जो जहर था, उसी तरह से आप में और मुझ में जो इस संसार में जन्म लेते हैं उनमें मृत्यु का श्राप और मृत्यु का जहर फैला हुआ है। लेकिन आज जब हम क्रूस की ओर देखते हैं वो जहर उतर जाता है। सब बोलो आमीन। जरा पढ़ो यहां पर 13-14 पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ मसीह जो हमारे लिए शापित हुआ और फिर हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया। देखा, हमने पढ़ा ना पहले कि व्यवस्था किसको बल देता था? पाप को। और पाप क्या करता था? हमें मार देता था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था को क्या कर दिया गया? फिर से पढ़े उस बात को। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। देखो, जब यीशु हमारे लिए, यानी कि जैसे रेगिस्तान में मूसा ने उसी सर्प जो प्रॉब्लम था इजरायली लोगों को के लिए उसी सर्प को टांग दिया, उसी तरह से हमारे लिए प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर जड़ा गया और उनके ऊपर हमारा जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो पाप है, वो पाप को प्रभु यीशु के ऊपर रख दिया गया। सब बोलो आमीन। और इस रीति से हमारे सबके श्रापों को यीशु के ऊपर रखकर हमें श्रापों से आजाद कर दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो आज क्रूस की ओर देखते हैं जिंदा रहते हैं। सब बोलो आमीन। मौत हमें छू नहीं सकती, मृत्यु हमें छू नहीं सकती, हमारे लिए मृत्यु की मौत हुई है। सब बोलो आमीन। प्रभु यीशु ने क्या किया हम पढ़ेंगे, उस बात को फिर से हम याद करेंगे। यूहन्ना उसका 19 अध्याय और 16 पद से, और यहां पर पढ़े उसके पहले इब्रानियों 2-14 पढ़ ले ताकि सबको विश्वास हो जाए कि शैतान जो अधिकार रखता था मार देने का, मृत्यु का, उसके पास से अधिकार ले लिया गया है, उसका नाश कर दिया गया है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। देखा, हम सब किसके बने हैं? मांस और लहू के। इसलिए यीशु भी जब जन्म लेता है वो मांस और लहू का बनकर आता है और फिर क्या करता है? तो वो आप भी आप यानी यीशु भी उनके समान, हमारे समान उनका सहभागी हो गया, हमारा सहभागी हो गया, फिर ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। शैतान सोच रहा था कि यदि यीशु को हम मार दे, यदि यीशु को हम खत्म कर दे, यदि यीशु को हम क्रूस के ऊपर चढ़ कर उसकी कत्ल कर दे, पीड़ा से, दर्द से, यातना से, तो फिर मैं ही बचूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यीशु की मृत्यु होने के द्वारा उसकी मौत होने वाली है। सब बोलो आमीन। और यहां पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है कि यीशु ने आप ही, वहां से पढ़िए जरा वापस एक बार, तो वो आप भी उनके समान, आप भी उनके समान यानी हमारी तरह उनका सहभागी हो गया, उनका सहभागी हो गया, और फिर ताकि मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु पाकर, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे, उसे यानी कि शैतान को जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। मृत्यु पर क्या मिली थी? शक्ति। जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया और शैतान के पास वो अधिकार था, मृत्यु पर उसके पास अधिकार था, लेकिन यीशु ने क्रूस के ऊपर मर कर उसके पास जिसके पास अधिकार था यानी शैतान को क्या किया? अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अर्थात शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा। और फिर क्या लिखा है आगे? और जितने मृत्यु के भय के मारे, हाँ, और जिनको मृत्यु का भय था, हाँ, जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जीवन भर वो दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। जो मृत्यु के भय से गुलाम बने हुए थे
उनको उसने क्या कर दिया? छुड़ा लिया। सब बोलो आमीन। इसलिए जो भी व्यक्ति क्रूस की ओर देखता है वो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर मर के मौत की, मृत्यु की मौत कर दी है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सिंस द चिल्ड्रन हैव फ्लैश एंड ब्लड, ही टू शेड इन दर ह्यूमैनिटी सो दैट बाय हिज डेथ, प्रभु यीशु के मरने के द्वारा, सो बाय हिज डेथ प्रभु यीशु के मरने के द्वारा, ही माइट ब्रेक द पावर ऑफ हिम, उसके सामर्थ्य को ही तोड़ दिया उसने। ब्रेक द पावर ऑफ हिम हु होल्ड्स द पावर ऑफ डेथ, दैट इज द डेविल, यानी कि शैतान के सामर्थ्य को उसने खत्म कर दिया। हम तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 10 और 34 पद। मरकुस उसका 10 और 34 पद। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, हाँ, उस पर थूकेंगे, हाँ, उसे कोड़े मारेंगे, उसको कोड़े मारेंगे फिर, और उसे घात करेंगे, उसके घात करेंगे यानी कि उसको मार देंगे फिर, और 3 दिन के बाद, हाँ, वह जी उठेगा। सब बोलो आमेन। आमेन। और यीशु ने कर दिखाया। मेरे प्रियो, आज यहां पर हम बहुत ही स्पष्ट रीति से देखते हैं जो बात दूसरे तिमोथियस के पहले अध्याय और 10 पद में लिखा है कि यीशु मसीह के प्रकट होने के कारण से इस बात को प्रकाशित किया जाता है कि उन्होंने मृत्यु का क्या कर दिया है? नाश कर दिया है, और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरत्व को प्रकाशित किया है। और इसलिए आज जो भी व्यक्ति यीशु की ओर उस क्रूस पर देखता है और विश्वास करता है, उसके शरीर से श्राप, पाप और मृत्यु की असर खत्म हो जाती है और वो जिंदा रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना उसका 11:26 पद को हम पढ़ेंगे। और जो कोई जीवित है, हाँ, और मुझ पर विश्वास करता है। आप में से कितने लोग जीवित हैं? सब लोग है ना? Yes. सब ये कहो, मैं जीवित हूँ। जीवित हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि जो भी कोई व्यक्ति जीवित है और यीशु पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। सब बोलो आमेन। आमेन। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हो? Yes. यीशु ने कहा है कि यदि जो जीवित है और उसने यदि मेरे पर विश्वास कर लिया तो मृत्यु उसे छू नहीं सकती। सब बोलो आमीन। इस तरह से मृत्यु की मृत्यु हो चुकी है। आपको मानना है, आपको विश्वास करना है, आपको स्वीकार करना है कि मृत्यु की मृत्यु हो चुकी है। 25 पद भी पढ़े। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके मर गए उनका क्या? मैंने पहले ही कहा कि वे सिर्फ सो रहे हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु के आसमान से उतरने की, तुरही के फूकने की, और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। पढ़े जरा 25 पद की। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। सब तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है। और फिर क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, देखा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। सब बोलो आमीन। आमीन। आपकी दृष्टि को उठाकर उस क्रूस की ओर देखो। प्रभु यीशु कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मुझ पर जो विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं। यदि आज आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु ने आपके खातिर मृत्यु को ले ली है, आपके श्राप को, आपके पाप को और आपके उन गुनाहों को, तो आप अमर हो। तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे जिंदा हो गए, आप और मैं, हमारे तन बदल जाएंगे और हमें आसमान में उठा लिया जाएगा और हम सदा यीशु के साथ रहेंगे। तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें।
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.